हेलो बच्चों, तो आइए फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपना टॉपिक। चलिए आइए, आज बढ़िया एकदम दिन है। तो हम लोग पढ़ रहे थे मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे वर्क, ठीक है प्यारे मोहन। चलिए, तो वर्क हमने देख लिया था, फॉर्मूला क्या था, W इक्वल्स टू पी डेल्टा वी। कोई प्रॉब्लम आया था आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए बेस्ट है। अब एक बात आप लोग मुझे ये बताइए मेरे प्यारे भाई, जो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है, जो मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए, एक टर्म आएगा आपका डीटी, ठीक है। डीटी को टेम्परेचर ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ टेम्परेचर में इमेजिन मत करना अभी के लिए, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं आपको ये, बच्चों ये आपका है चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है बच्चों, चेंज इन टेम्परेचर। बहुत बार क्या होता है ना बच्चों, की जो बच्चे मतलब की मैथ बैकग्राउंड से रहते हैं, लगभग सब लोग ही होते हैं, तो वो टेम्परेचर डीटी देखते समझते कि यार टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डीटी जीरो होगा। डीटी जीरो होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन टेम्परेचर नहीं होगा, तो चेंज इन टेम्परेचर तो जीरो ही होगा फिर, समझ गए। तो डीटी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। और यहां पर अपना जो डीवी होगा मेरे प्यारे भाई, ये ज्यादातर केसेस में हम लोग लेंगे चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। क्या लेंगे बच्चों? चेंज इन वॉल्यूम। और चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल होता है अपना। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे आपको? नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद में आपका एक आता है डी यू आता है, ठीक है बच्चों। देखो, एक होता है डी यू और एक होता है डी ई। तो डी यू और डी ई बहुत बराबर होते हैं। हम लोग जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था हम लोग अपनी जरूरत के हिसाब से मैं नोटेशन में यू यूज करूंगा या फिर ई यूज करूंगा। कंफ्यूज मत होना आप लोग, यू भी इंटरनल एनर्जी है, ई भी इंटरनल एनर्जी है। अपने सेटिस्फेक्शन के लिए मेरी मर्जी में जहां पे उसको यूज में लाऊंगा, तो आप सिर्फ अपने दिमाग में इतना रखिए कि यू और ई जुड़वा भाई है, दोनों के दोनों इंटरनल एनर्जी है, एक ही बात है। तो ये क्या होगा बच्चों? ये अपना होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, समझ गए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हालांकि आपको यहाँ पे वेरिएबल्स वाले फंक्शन नहीं मिलने वाले, तो आपको डिफरेंशिएशन का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझ गए। ये सब चेंज है, स्मॉल चेंजेस है, ठीक है। चलिए, अब जो बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ बच्चों, वो है इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ठीक है प्यारे भाई, इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब कि वॉल्यूम कहाँ कांस्टेंट होगा, ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, कि मान लो अगर मेरे पास कंटेनर है, ठीक है, मेरे पास क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास कंटेनर है, ठीक है, अगर मेरे पास कंटेनर और कंटेनर में यहां तक गैस भरा हुआ है, ठीक है, कंटेनर में यहां तक गैस भरा हुआ है, कोई प्रॉब्लम वाली बात यहां पर नहीं है प्यारे बच्चों। देखो, कंटेनर में ये पूरा बच्चों, कंटेनर में पूरा बच्चों गैस भरा हुआ है। इस गैस का अपना कुछ तो प्रेशर है, कुछ तो वॉल्यूम है और कुछ तो टेम्परेचर है, और सब इनिशियल, ठीक है। सपोज करो कि मैंने इसके ऊपर एक पिस्टन रख दिया, ठीक है प्यारे बच्चों, सपोज करो कि मैंने इसके ऊपर एक पिस्टन लाकर रख दिया और नीचे से मैं इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ हीट, नीचे से मैं इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ हीट। अब जब मैं इसको हीट एनर्जी दूंगा मेरे प्यारे भाई, जब मैं इसको हीट एनर्जी दूंगा, तो डेफिनेटली इसका वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। बट अब कंडीशन में यहाँ पे क्या लगा दिया भैया, ये जो पिस्टन है ये फिक्स्ड है, ठीक है, जो ये पिस्टन है बच्चों वो फिक्स्ड है, नॉन मूवेबल है। अब अगर मैं कितनी भी हीट एनर्जी दे दूं मेरे प्यारे बच्चों और वो पिस्टन में फिक्स कर दूं, तो क्या गैस का वॉल्यूम चेंज होगा? नहीं होगा भैया, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा, बट वॉल्यूम डज नॉट चेंज। तो यहां पर जो आपका टर्म होगा, वी तो कांस्टेंट हो गया, क्या हो गया बच्चों, वी तो कांस्टेंट हो गया। क्यों वी कांस्टेंट इसीलिए हुआ, क्योंकि भैया हमने पिस्टन मूव होने ही नहीं दिया ना, मैंने बोल दिया ना, अब मेरी इच्छा है कि मैं पिस्टन को रखूंगा फिक्स। जब वी कांस्टेंट हो गया, तो भैया चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा बच्चों? जीरो ही आएगा। जब वॉल्यूम चेंज ही नहीं हुआ है, तो चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू जीरो होगी। जो पहले v फाइनल था, वही बाद में v इनिशियल भी है, समझ गए, कोई प्रॉब्लम। अब मान लो dv जीरो है,
तो वर्क डन तो अपना क्या होता है मेरे प्यारे भाई, वर्क डन अपना होता है पीडीवी। कितना होता है पीडीवी? होता है भैया जब चेंज इन वॉल्यूम में जीरो है तो वर्क डन जीरो नहीं होगा, जीरो हो जाएगा। तो एक बात ये अपने गांठ बांध लो यार, क्या बांध लो कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन जीरो होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन जीरो होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन जीरो होगा, और ये आगे आपको ग्राफ में काम आएगा। समझ गए? तो आज अपना जो मेजर फोकस होगा बच्चों वो होगा ग्राफ के ऊपर, ठीक है? आज अपना मेजर फोकस हम लोग ग्राफ के ऊपर रखेंगे। तो आइए फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए ये देखिए, अब यहां पर मैं थोड़ा नाम एकदम ढंग से लिख दूं आपके लिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या बच्चों? ये नाम इस टाइप के डायग्राम को, मतलब कि पीवी ग्राफ को हम लोग बोलते हैं इंडिकेटर डायग्राम, ठीक है बच्चों? इंडिकेटर डायग्राम या इंडिकेटर ग्राफ जो आप लोग बोल लो, ठीक है? चलिए अब देखिए यहां पर ध्यान से और प्यार से देखिए मेरे प्यारे बच्चों। सपोज कीजिए कि ये जो एक लाइन है, एक्स्ट्रा जो लाइन है बच्चों, मैं यहां से निकाल देता हूं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। इस पीवी ग्राफ के ऊपर मैंने आपको यहां पर एक स्ट्रेट लाइन देके रखी है, और ध्यान देना बच्चों कि हमेशा आपका एरो बना हुआ होना चाहिए, हमेशा आपका एरो बना हुआ होना चाहिए। अगर ग्राफ में एरो नहीं है, अगर ग्राफ में एरो नहीं है तो वो क्वेश्चन ग्राफ का रॉन्ग होगा, ठीक है बच्चों? क्वेश्चन ग्राफ का रॉन्ग होगा, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व ही नहीं करना। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं बट वो आइसोथर्मल में है कि अगर ग्राफ के ऊपर एरो नहीं है तो क्वेश्चन दो भी सॉल्व होगा, होगा। बट 95% केसेस में आपको यही सारे सवाल मिलने वाले हैं। तो देखिए बच्चों इसका डायरेक्शन ना ऐसे है, ठीक है? अब यहाँ पे आपको सिर्फ पॉइंट करना है एक चीज, अब आप यहाँ पे आपको सिर्फ पॉइंट करना है एक चीज, और वो आपका है वर्क डन जो आपको फाइंड करना है, ठीक है मेरे बच्चों? आपको फाइंड करना है वर्क डन, ठीक है? आइए ध्यान दीजिए, ए से बी तक जा रहे हैं, ठीक है? अब एक काम कीजिए, इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए। जब मेरे को वर्क डन निकालना, मैंने क्या बताया था आपको, स्लोप, स्लोप माने डीपी बाय डीवाई बाय डीएक्स। तो अगर मुझे इसका एरिया, में ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखना, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व का वैल्यू क्या बन जाएगा बच्चों? वाई डीएक्स। क्या मेरे प्यारे भाई? वाई डीएक्स। क्या है यहां पर? पीडीवी। और ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये अपना है वर्क डन। क्या ये अपना? ये अपना वर्क डन है ना मेरे प्यारे भाई। मतलब एरिया अंडर द कर्व किसके बराबर होगा? एरिया अंडर द कर्व बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चों वर्क के। अगर मैं पीवी ग्राफ का एरिया निकालूंगा, अगर मैं पीवी ग्राफ का एरिया निकालूंगा, मतलब मैं क्या निकाल रहा हूं? अपना वर्क डन निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं बच्चों? मैं अपना वर्क डन निकाल रहा हूं। समझ गए? कोनो दिक्कत आपको नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो फिलहाल के लिए इन महाशय को यहां फेंक दो यार, उठा के टेढ़ा हो गया क्या, सीधा कर दो फिर। चलिए अब ध्यान से देखिए कि ये जो ए बी कर्व दिया गया, इसके नोटेशंस कर लो यार, यहां पे, उसके बाद में यहां पर। अब ध्यान देना मेरे प्यारे भाई, ये वॉल्यूम वी वन, ये वॉल्यूम वी टू, और ये प्रेशर पी वन। एरिया कौन सा होगा? एरिया अंडर द कर्व, मैं किसकी बात कर रहा हूं? ध्यान देना, थोड़ा हटाओ यार इनको, स्ट्रेट लाइन लाते हैं हम जरा सा, ठीक है? मैं किसकी बात कर रहा हूँ बच्चों? इस लाइन के नीचे पड़ने वाले एरिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है? इस लाइन के नीचे पड़ने वाले एरिया की बात कर रहा हूं मैं, इस लाइन के नीचे पड़ने वाले एरिया की बात कर रहा हूं मैं। अब ध्यान देना यहां से, ठीक है? तो यहां पे मेरे को वर्क क्या मिल जाएगा? वर्क, ध्यान देना एकदम, बिल्कुल चौकन्ना हो गया, ठीक है? ध्यान दो कि ये तो ओरिजिन है, यहां से यहां तक वैल्यू टोटल होगी वी टू, यहां से यहां तक वैल्यू होगी वी वन। तो ये वैल्यू कितनी होगी मेरे प्यारे भाई? ये वैल्यू होगी आपकी वी टू माइनस वी वन। कितनी होगी? वी टू माइनस वी वन। तो वर्क डन क्या मिलना चाहिए बच्चों? ये रेक्टेंगल नहीं दिख रहा आपको? रेक्टेंगल है ना, तो लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ कितना है? लेंथ का कोऑर्डिनेट है बच्चों प्यारो पी वन, तो पी वन इनटू वी टू माइनस वी वन। तो इस केस में आपका वर्क बन गया पी वन इनटू वी टू माइनस वी वन। बच्चों बने रहिए, बने रहिए। थर्मोडायनामिक्स का बच्चों मैं आपको ऐसा सिखा दूंगा ना कि आपको कहीं पे भी ये नहीं मिलने वाला,
खास करके सीटी लेवल पे तो ढूंढने से भी नहीं मिलेगा बच्चों, डेफिनेटली, क्योंकि अपना फोकस है बोर्ड्स प्लस सीटी। सीटी सीटी मेजर चीज है बच्चों, बोर्ड से आज के जमाने में कुछ भी नहीं होता। उखाड़ना है, फोड़ना है, जो करना है तो एंट्रेंस में ही फोड़ना है, असली इज्जत उसके बाद ही मिलती है, समझ गए? तो हमको चीजें ज्यादा पढ़नी है तो हम ज्यादा चीजें सीखेंगे भी। चलिए आइए अब यहां पर देखिए, यहां पर देखिए बच्चों, पीवी कर्व दिया गया है और ये स्ट्रेट लाइन दिया गया है, एरो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। तो क्या आप लोग इसका ये नहीं बना सकते कोऑर्डिनेट्स? बिल्कुल बना सकते हैं यार, एक ऐसा जाएगा, एक यहाँ पे ऐसा जाएगा और एक यहाँ पे ऐसा जाएगा, ठीक है? इन महाशय की वैल्यू क्या होगी? इन महाशय की वैल्यू होगी वी वन, इसकी वैल्यू होगी पी वन, इसकी वैल्यू होगी पी टू। चलिए फिर यहाँ पे आइए यार, जरा भौकाल मचाइए, बताइए ये एरिया नहीं होगा अपना वर्क डन, होगा कि नहीं होगा? अब एरिया देखिए लाइन के नीचे, एरिया देखिए लाइन के नीचे, क्या ये होगा? अरे मेरे प्यारे बुलबुलो बच्चों, एरिया हमेशा एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखना है, समझ गए? एरिया हमेशा एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखना है। और एक चीज आप लोग नोट कर सकते हो कि प्रेशर की वैल्यू, ध्यान दो यहां पर, कि प्रेशर की वैल्यू पी वन, उस पॉइंट पे वॉल्यूम वी वन, इस पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू पी टू, बट उसके लिए वॉल्यूम वी वन। तो यहां से मुझे क्या दिख रहा है? वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है मेरे भाई। अगर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होगा तो चेंज इन वॉल्यूम तो जीरो होगा, और अगर चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा तो वर्क डन भी जीरो होगा। अभी तो मैंने बताया था अगर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तो वर्क डन जीरो, क्या होगा बच्चों? वर्क डन जीरो होगा, समझ गए? और एरिया हमेशा एक्स एक्सिस के साथ में ही देखना है, एरिया हमेशा हमेशा एक्स एक्सिस के साथ में ही देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अरे गुरुजी क्या हो गया ये? चले आइए यहाँ पर फिगर नंबर तीन पे आते हैं मेरे प्यारे भाई। देखो यहाँ पर दूसरे रंग की जरूरत लेते हैं यार, मिल नहीं रहा दूसरा रंग। चलिए देखिए यहाँ पर, ये एक स्ट्रेट लाइन है आपके लिए पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, जिसका एरो ऐसे बना हुआ है, ठीक है? अब आपको एरिया निकालना है, अब आपको एरिया निकालना है, एरिया निकालिए बच्चों। इसके अंडर कितना एरिया आ रहा है? ये आ रहा है इसके अंडर, बस इतना एरिया निकालिए। अब इसके लिए वॉल्यूम होगा V1, इसके लिए वॉल्यूम होगा V2, प्रेशर P1, प्रेशर P2, और x एक्सिस के साथ में ही निकालना है, ये भाषा वाला है, ये वाला एरिया, ठीक है? अब देखिए ये एक शेप है ट्रेपेजियम का बच्चों, ये एक शेप है ट्रेपेजियम का। अब यहाँ पे आप दो चीजें भी लगा सकते हैं अगर कॉमन बुद्धि लगाए तो, अगर आप लोग कॉमन सेंस की बुद्धि लगाते हैं बच्चों, तो यहाँ पे ऊपर एक ट्रायंगल बन रहा है और नीचे एक रेक्टेंगल बन रहा है, ऊपर एक ट्रायंगल बन रहा है, नीचे एक रेक्टेंगल बन रहा है। और एक और बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर क्वेश्चन में ग्राफ का शेप सर्कल और रेक्टेंगल, यही दोनों चीजें, ठीक है, सर्कल और रेक्टेंगल अगर स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो उस गोलाकार डायग्राम को सर्कल नहीं मानना है और इस प्रकार का डायग्राम को स्क्वायर नहीं मानना है। क्यों नहीं मानना है मैं वो आगे आपको बताऊंगा, बस इतना दिमाग में छाप लो अपने, नहीं मानना है, मास्टर ने बोला है तो बोला है बस। चलिए आइए यहां पर आगे बढ़ते हैं। अब ये आप यहां पे एरिया तो निकाल सकते हैं ना मेरे प्यारे भाई, ध्यान से देखना, यहां पे आपको ऊपर एक क्या मिल गया, ट्रायंगल है और नीचे एक रेक्टेंगल है, बट ये पूरा ए बी वी वन वी टू बी, ठीक है, ये जो पूरा एक है ये तो ट्रेपेजियम है ना, और ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे भाई? फॉर्मूला देख लो यहाँ पे यार एक बार आप लोग, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, इंटू डिस्टेंस बिटवीन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, स्पेसिफाई कर लो अच्छे से एकदम, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ठीक है प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। चलिए फिर आइए यहां पर, अब ध्यान से देखिए यहां पे मैं आपको ना बच्चों इन दोनों के फॉर्मूला में से निकाल के लेके जाऊंगा ट्रेपेजियम के फॉर्मूला तक, तो डेरिवेशन एकदम प्यार से और दोनों आंखें खोल के देखना आप लोग, ठीक है? चलिए आइए अब ध्यान दीजिए,
कि अगर मुझे वर्क डन निकालना है तो मुझे दोनों एरिया को ऐड करना होगा। बच्चों ये जो गैप है ये तो आपको पता है कि v2 माइनस v1 होगा, ठीक है, और ये जो आपका लेंथ है मेरे प्यारे भाई ये आपका p1 होगा, और ये जो ब्रेड्थ है पैरेलल है तो v2 माइनस v1 होगा, ठीक है। ये टोटल आपका कितना मेरे प्यारे भाई, ये टोटल का टोटल p2 है, ठीक है, ये टोटल p2 है और ये इतना सा p1 है, तो ये इतनी सी वैल्यू कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों, p2 माइनस p1 नहीं होगी, इतनी सी वैल्यू, ठीक है, इतनी सी वैल्यू कितनी होगी, p2 माइनस p1 होगी, ठीक है। चलिए फिर अब बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा, तो हाफ इंटू बेस कितना है बच्चों, v2 माइनस v1, हाइट कितनी है, p2 माइनस p1, ठीक है। चलिए प्लस होगा, यहां पर देखिए लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ कितना है p1, ब्रेड्थ कितना है v2 माइनस v1। आइए अब ध्यान से देखिएगा, नोट करते चलिए एकदम प्यार से, ठीक है। तो यहां पे आप लोग एक काम कीजिए, v2 माइनस v1 दोनों जगह से कॉमन निकाल लीजिए, v2 माइनस v1 दोनों जगह से कॉमन निकाल लीजिए, ब्रैकेट में अब क्या बच जाएगा मेरे प्यारे भाई, हाफ इंटू p2 माइनस p1 प्लस p1 यहां पे बचेगा, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर लो क्या, ताकि हमको थोड़ी सी जगह और मिल जाए एक आख लाइन लिखने के लिए। फ्रेम में दिख रहा है कि नहीं बे, चलो दिख रहा है एकदम प्रॉपर, थोड़ा मैं साइड में होके लिखूं ना ताकि आपको भी दिखे, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिए आप लोग, यहां पर v2 माइनस v1 इंटू मल्टीप्लाई कीजिए यार, p2 बाई 2 माइनस p1 बाई 2 प्लस p1, तो देखिए हाफ p1 प्लस p1, तो p1 बड़ा हुआ ना, p1 में से आधा p1 माइनस हो रहा है बच्चों, क्या आधा p1 बच जाएगा। तो ध्यान से देखिए v2 माइनस v1 इंटू कितना बच रहा है यहाँ पे, p1 बाई 2 प्लस p2 बाई 2, 1 बाई 2 कॉमन लेके बाहर निकाल लो, तो 1 बाय 2 इंटू 1 बाय 2 इंटू ध्यान दीजिए 1 बाय 2 इंटू p1 प्लस p2 इंटू v2 माइनस v1, क्या आ गया बच्चों, ये मेरा आ गया वर्क डन इसके लिए, ठीक है। क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, ये आ गया मेरा वर्क डन। अब एक बात बताओ यार, मैं आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला यहां पे लगा के दिखाता हूं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला देखिए, वर्क डन देगा वो भी हाफ इंटू बच्चों सम ऑफ पैरेलल साइड्स p1 प्लस p2, हाँ कि ना, p1 प्लस p2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स कितना है मेरे प्यारे भाई, v2 माइनस v1 कितना है, v2 माइनस v1। देखो यार आ नहीं गया सीधा आ गया ना, तो ठीक है आपको मैंने बता दिया, बट आप लोग अच्छे से बच्चों, और इसको रट्टा नहीं मारना, यू कैन सॉल्व इट, आप सॉल्व कर सकते हो, बस कैलकुलेशन स्पीड ज्यादा रखना, फॉर्मूला वही याद आप लोग रखो जो मैं आपको बोलूंगा, ठीक है। चलिए वरना रट्टा मारने के चक्कर में सारा कर दोगे गुड़ गोबर। अब यहां पे आ जाओ, अब एक और बात कहां है, यहां अपनी मिस हो गई थी, ध्यान से देखना। अब यहां पे बात आती है वर्क डन पॉजिटिव है कि नेगेटिव, मैंने आपको बताया था मेरे प्यारे भाई, अगर एक्सपांशन होगा तो पॉजिटिव, कंप्रेशन होगा तो नेगेटिव। आ जाओ यहां पर ध्यान से देखो, वॉल्यूम क्या बच्चों, v1 से v2 की ओर जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है ये, तो इसका वर्क डन क्या आएगा मेरे प्यारे भाई, इसका वर्क डन आएगा पॉजिटिव, ठीक है। यहां ध्यान दो, यहां तो वर्क डन जीरो है, पॉजिटिव नेगेटिव का सवाल ही नहीं। यहां पर ध्यान से देखो, v1 से v2 की ओर जा रहा है, v1 से v2 की ओर जा रहा है, तो यहां का भी वर्क डन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां का भी वर्क डन पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ, यहां पे मैं आपको एरो दे देता हूं ऐसा, ठीक है। आंसर कुछ भी हो मेरे प्यारे बच्चों, ये v1, ये v2, ये p1, ये p2, ठीक है। अब ध्यान देना आप लोग मेरे प्यारे भाई, आंसर कुछ हो हमका फर्क नहीं है उसका, ठीक है। आंसर कुछ भी हो, वॉल्यूम देखो v2 से v1 बच्चों, ये है कंप्रेशन, ठीक है बच्चों, ये क्या है बच्चों, ये मेरे प्यारे बच्चों, ये है कंप्रेशन, यहां हो रहा है कंप्रेशन, कंप्रेशन होने की वजह से मेरे प्यारे भाई यहां पे वर्क डन आ जाएगा निगेटिव,
क्या आ जाएगा वर्क डन, आ जाएगा निगेटिव। आपको फिगर सेम नहीं दिख रहा, फिगर सेम टू सेम है, उसके नीचे का एरिया डिट्टो वही होगा जो एरिया यही है, बस यहाँ पे आप लोग जानते हो कि इनिशियल वॉल्यूम इस बार फाइनल वॉल्यूम से बड़ा होगा, क्योंकि क्या हुआ है कंप्रेस हुआ है ना, इनिशियली इतना था फाइनल इतना था, और चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल इतना सही तो है, इनिशियल बड़ा है और इनिशियल के साथ में क्या लगा माइनस लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर ये क्या बन जाएगा निगेटिव बन जाएगा। तो यहाँ पे वर्क डन एरिया सेम टू सेम यही आएगा आपका मेरे प्यारे भाई, तो यही एरिया में यहाँ पर रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है, यही एरिया में यहाँ पर रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पे वर्क डन क्या मिल जाएगा आपको मेरे प्यारे बच्चों, हाफ इंटू पी वन प्लस पी टू इंटू वी टू माइनस वी वन, सेम वर्क डन अगेन बट इट इज नेगेटिव वर्क डन, क्लियर एकदम मजा मा। चलो गुत्ती लो, चलो आओ देखो यहाँ पर अलग सा ग्राफ है ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको पॉइंट दे दूं, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी, पॉइंट बी से लेके पॉइंट सी, अगेन पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी, पॉइंट बी से लेके मेरे प्यारे बच्चों पॉइंट सी, ठीक है। चलिए एरिया निकालना, अरे भैया हम तो निकाल लेंगे एरिया निकालने में, तो आपने महारत हासिल कर, देखो इस ग्राफ के नीचे का एरिया, इस ग्राफ के नीचे का एरिया मेरा वर्क डन होता है, इस ग्राफ के नीचे का एरिया मेरा वर्क डन होता है। हम लोग इसका स्लोप भी देखेंगे मेरे प्यारे भाई, बट वो तब देखेंगे जब हम लोग थर्मोडायनामिक प्रोसेस पढ़ लेंगे, थर्मोडायनामिक जब प्रोसेस हम लोग पढ़ लेंगे तो हम लोग पीवी ग्राफ का स्लोपो देखेंगे जहां उसकी जरूरत होगी, फिलहाल इस टाइप के क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ कंसेप्ट में जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए जरा, एकदम भवाली वाला ध्यान दीजिए, ये देखिए ये एरिया मुझको देखना है। अब एक बात बताइए यार, यहाँ पे वर्क डन मेरे को निकालना है, वर्क डन मुझे निकालना है ए टू सी, बट मुझे वर्क डन कैसे मिलेगा, ए टू बी देन बी टू सी, वर्क डन ए टू बी देन प्लस वर्क डन बी टू सी। अब ध्यान दीजिए ये है वॉल्यूम वन, ये है वॉल्यूम टू, ठीक है, और इस पॉइंट के लिए प्रेशर और इस पॉइंट के लिए प्रेशर, ये है पी वन और ये है पी टू। अब एक बात बताइए मेरे प्यारे भाई, वी वन वाला ए बी वाला जो लाइन है भैया वो तो कॉन्स्टेंट है, वो तो कॉन्स्टेंट है, तो क्या इसका वर्क डन जीरो नहीं हो जाएगा, तो क्या इसका वर्क डन जीरो नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। प्लस डब्ल्यू बी सी, बी सी भैया वो तो वॉल्यूम बढ़ रहा है उसका, तो उसके नीचे का एरिया क्या होगा, ये होगा उसका नीचे का एरिया। तो ध्यान से देखो यहाँ पर, ये पूरा रेक्टेंगल है, ये लेंथ कितना है मेरे प्यारे भाई, ये लेंथ है वी टू माइनस वी वन, और ये पूरा का पूरा लेंथ है पी टू, कितना है पी टू है, कितना मिल जाएगा ये पी टू इंटू वी टू माइनस वी वन, तो मेरे को नेट वर्क डन कितना मिल गया बच्चों, पी टू इंटू वी टू माइनस वी वन, वर्क डन ए टू सी, वर्क डन ए टू सी। और यहाँ पर मेरा वर्क डन कैसा है बच्चों, मेरा वर्क डन यहाँ पर पॉजिटिव है, कैसे मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर मेरा वर्क डन कैसा है, वर्क डन हमारा पॉजिटिव है। अब ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए ये ग्राफ ध्यान से देखिए आप लोग, ठीक है। आइए ये एक बात यहाँ बताइए आप लोग मेरे को मेरे प्यारे बच्चों, कि यहाँ पर जो मैं एरिया देखना चाहता हूँ क्या वो नीचे का नहीं देखूंगा इसके एरिया, बिल्कुल, क्योंकि ये लाइन तो कॉन्स्टेंट है ना, तो एरिया तो इसी का देखने वाला हूँ मैं, एरिया तो इस ग्राफ के नीचे का ही देखने वाला हूँ, बट मुझे वर्क डन अगेन कैसा निकालना होगा, वर्क डन ए टू सी निकालना होगा, तो मैं क्या देख सकता हूँ मेरे प्यारे भाई, वर्क डन ए टू बी प्लस वर्क डन बी टू सी, ठीक है। अगेन फोकस फोकस करो फोकस भैया, बी टू सी तो सीधा है, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है इसके लिए, ये बी टू और ये बी वन, ध्यान से देखो बी टू सी तो बढ़ रहा है, बी टू सी के लिए प्रेशर बढ़ रहा है बट वॉल्यूम स्टिल कॉन्स्टेंट, बी टू सी तो भाग जाएगा, ये तो हो जाएगा जीरो। ए बी का ध्यान से देखो यार, ये गैप है उसका वी टू माइनस वी वन, ये कितना है वी टू माइनस वी वी वन है, और ये वाला लेंथ कितना है उसका, ये वाला लेंथ पी वन है, कितना मिलेगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो पी वन इंटू v2 माइनस वी वन, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे वर्क डन क्या मिल जाएगा, p1 वन इंटू वी टू माइनस वी वन, तो वर्क डन ए टू सी, ठीक है प्यारे भाई, क्या मिल जाएगा वर्क डन ए टू सी, वर्क डन ए टू सी, क्लियर हुआ ये एकदम। हम लोग एरिया कौन सा निकालने वाले मेरे प्यारे बच्चों, एरिया कौन सा निकालने वाले, ये निकालने वाले, ठीक है। चलिए लिख लो यार इसको, लिख लो आप लोग एकदम क्लियरली, मक्खन जैसा देख के लिख लो इसको, ठीक है ठीक है। चलिए यार तो बढ़ते हैं आगे,
अजय 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 क्या बात है जियो शेर। चलिए अब आप सबके लिए एक सवाल पेश है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर अ गिवन ग्राफ। ये ग्राफ दिया मैंने आपको, अब तक तो आपको स्ट्रेट लाइन मिल रहे थे, कुछ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब ये बताइए बच्चों, ये जो ग्राफ दिया गया है ऐसा, ठीक है, सर्कल वर्कल मत समझना इसको कोई गलती से भी, मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है वर्क इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, सेकेंड है वर्क इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग, फर्स्ट इज वर्क इज इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग, एंड डी है वर्क इज डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखो हालांकि ये वीडियो रिकॉर्डेड है, बट मास्टर होने के नाते मैं आपसे एक चीज बोलता हूं बच्चों, इसका आंसर ऑनेस्टली आपको जो भी मिला होगा ए बी सी डी, वीडियो पॉज करके अभी अभी का अभी कमेंट करो, ठीक है, ताकि मेरे को भी एकदम फील आए कि हाँ मेरे प्यारे बच्चे इस वीडियो को देखते हैं और उनको समझ में आता है जो मैं सिखाता हूं। तो इसका आंसर आप लोग ऑप्शन बताओ, सर ए है बी है सी है डी है, अभी वीडियो पॉज करो और दो वहां पे कमेंट करो, ठीक है। चलिए बाकी जिसकी इच्छा है वो तो करेगा ही यार। चलिए चलिए अब देखो यहां पर 90% लोगों के, मतलब कि हमारे ऑफलाइन सेंटर के ऊपर वायसर अकेडमी में जब यही सेम क्वेश्चन मैंने उनसे लिया था, तो ज्यादातर बच्चों के आंसर मेरे प्यारे बच्चों ये थे, फर्स्ट वर्क इज इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग, पहले वर्क क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है देन डिक्रीज हो रहा है, ये उनका आंसर था। क्यों मालूम है भाई साहब, इसके इसको देख रहे कि ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, भाई साहब वो इसके स्लोप को देखे थे, वो इसके स्लोप को देख के बोले थे कि स्लोप एक साइड पॉजिटिव है और एक साइड निगेटिव है, समझ गए, स्लोप एक साइड पॉजिटिव है एक साइड निगेटिव है। बट हम पीवी ग्राफ में क्या देखते हैं, हम पीवी ग्राफ में सिर्फ और सिर्फ देखते हैं एरिया, तो भैया एरिया तो सिर्फ बढ़ता है, एरिया या तो फिक्स होगा या तो बढ़ रहा होगा, कम भी होता है कोई बात नहीं जब कंप्रेस होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ग्राफ में तो एरिया कभी कम नहीं होगा अपना, फिक्स होगा या तो बढ़ता होगा। अब ध्यान दीजिए आप लोग यहां पर मेरे प्यारे भाई कि ये जो अपना ग्राफ है और जो एरिया की नीड हमें है भैया वो ये है। अब ध्यान दीजिए यार, एरिया कुछ V1 के बाद इतने वॉल्यूम पे इतना था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ एरिया। एरिया क्या हो रहा है, एरिया कंटिन्यूएशन पे बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है। तो एरिया क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एरिया इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, एरिया इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। तो ऑप्शन ए इज माय करेक्ट आंसर। क्या आपका आंसर भी ऑप्शन नंबर ए आया था, कमेंट करके बताओ यार, जिसका भी ऑप्शन नंबर ए आया था, सी भी आया हुआ कोई दिक्कत नहीं, बी और डी भी चलेगा, बट ज्यादातर जो मेरे बच्चे हैं जिनको मैं पर्सनली सिखाता हूं बच्चों, वो ए और सी में रहते हैं, ठीक है। हालांकि ये ट्रिकी क्वेश्चन था उनके लिए भी, उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा था, तो 90% का सी था, कुछ 10% का ए था, ठीक है। तो अब अपने जो चैलेंज है मेरे प्यारे भाई, यहां पे अपने को निकालना है इसका एरिया, इसका एरिया निकालना है कि इसका एरिया कैसे निकालेंगे। अब यहां से होता है अपना असली सफर शुरू, चैलेंजिंग वाला। फॉर्मूला आपको याद रखना है, व्हेन एम सर इज हियर देन व्हाट इज फियर, मेरे प्यारे भाई। चलिए आइए बढ़े आगे, चलो अगला सवाल आइए। चलो यार पीवी ग्राफ दिया हुआ है अपने को, ठीक है। एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, कहां गया वो अपना फॉर्मूला वाला स्लाइड, कहां गया यार, कहां गया कहां गया कहां गया, ए जादू टोना कहां गायब हो गए बे। ये देखो एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद आपको इलिप्स वगैरह कुछ पता हो, एरिया वगैरह पता हो बच्चों इसका। ये आपका होता है इलिप्स, ठीक है, और ये एक जो डायग्राम होता है, ये एक जो होता है, यह आपका होता है सर्कल, ठीक है, यह आपका होता है सर्कल, सर्कल के पास सेंटर होता है बच्चों, सेंटर तो इसके पास भी होता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, सेंटर तो इसके पास भी होता है। अब एक बात बताइए ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो इलिप्स है, ठीक है, ये जो इलिप्स है, थोड़ा सा दूर दिख रहा है, सेंटर में दिख नहीं रहा मुझे, ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कि ये जो है इलिप्स के पास होते हैं दो रेडियस, ठीक है,
एक ये R1 और एक ये R2, लेकिन सर्कल के पास तो केवल एक ही रेडियस होता है, जो होता है अपना R। एक बात बताइए, अगर अपना ये इलिप्स है, ठीक है, इलिप्स का एरिया होता है, एरिया ऑफ इलिप्स मेरे प्यारे बच्चों ये होता है पाई इंटू R1 इंटू R2। आप लोग अगर मैथ्स में पढ़े होंगे तो ये ए होता है, ये बी होता है, पाई ए बी पढ़ा होगा आपने में भी, ठीक है। तो पाई ए बी और पाई R1 इंटू R2, और सर्कल का जो एरिया होता है मेरे प्यारे बच्चों, सर्कल का एरिया होता है पाई R2। एक बात बताइए, आपने एसेंट्रिसिटी का शब्द तो सुना होगा, ठीक है, चलिए नहीं भी सुना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी शायद पीसीबी वाले बच्चों। एक बात बताइए, अगर मैं कंडीशन ले लूं, इफ R1 और R2 बराबर हो जाए, मान लो कि R1 और R2 बराबर हो जाए, अगर वह R1 और R2 बराबर कर दे, तो मान लो किसी R के बराबर कर दिया हमें, तो क्या ये पाई R2 नहीं बन जाएगा? अरे बिल्कुल मेरे भाई, अगर ये दोनों रेडियस बराबर हो जाए तो इलिप्स सर्कल बन सकता है, लेकिन सर्कल इलिप्स कभी नहीं बन सकता, समझ गए? इलिप्स सर्कल बन सकता है, बट सर्कल इलिप्स नहीं बन सकता। इसीलिए अगर अपने को ग्राफ में कभी भी सेमी इलिप्स या सेमी सर्कल जैसा कुछ दिखे, तो उसको सर्कल नहीं मानना, उसको हमको सेमी इलिप्स मानना है। और अगर एरिया का फॉर्मूला ये है, तो एक बात बताओ यार, सेमी इलिप्स का एरिया क्या होगा मेरे प्यारे भाई? इलिप्स का एरिया तो पाई R1 R2 है, तो सेमी इलिप्स का एरिया क्या होगा? सेमी इलिप्स का एरिया होगा पाई R1 R2/2, यही होगा, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है यार, समझ गए? हाँ याना, समझ गए, क्लियर है एकदम, समझ गए। तो किसी भी कर्व वाले शेप को जो सेमी सर्कल जैसा दिख रहा हो, लेकिन भ्रम में मत आओ, वो सेमी क्या, वो सेमी स्फीयर है, क्लियर एकदम। सर्कल नहीं मानना उसको, मैंने बोल दिया नहीं मानना है, मतलब नहीं मानना है, क्योंकि हमें नहीं पता वो सर्कल है कि नहीं। अगर क्वेश्चन में रिटर्न फॉर्म में लिखा है बच्चों, द गिवन शेप इन द ग्राफ इज सर्कल, मान लो सर्कल, नहीं बोला है इलिप्स मानो, ताकि अगर वैल्यू सेम हुई तो कैलकुलेशन में तो स्क्वायर हो ही जाना है उसको, समझ गए? चलिए कोनो दिक्कत वाली बात नहीं मेरे प्यारे बाल को, आ जाओ। चलो फिर यहां पे पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक जाना है, और अपने को निकालना है इसका एरिया, ठीक है, अपने को निकालना है इसका एरिया। तो चलिए फिर एरिया निकाल लेते हैं। अरे क्या हो रहा है ये, चलिए तो अपने को निकालना है इसका एरिया, तो हम निकाल लेते हैं इसका एरिया। चलिए अब ध्यान से देखिए आप लोग, अगर आप लोगों की नजर काफी तेज होगी, मुझे लग रहा है नजर तेज है आपकी, तो आपको यहां दिखाई देगा, काला रंग सूट नहीं कर रहा क्या? रुको सफेद ले लेता हूँ, ध्यान दो यहां पर, तो आपको दिख रहा है दो चीज, ऊपर है सेमी इलिप्स, और हाँ एरो ऐसा रखना, ठीक है, ऊपर है सेमी इलिप्स और नीचे है रेक्टेंगल, ऊपर है सेमी इलिप्स और नीचे है रेक्टेंगल मेरे प्यारे भाई। ये होगा V1, ये होगा V2, ये होगा गैप V2 - V1 का, ठीक है, ये होगा गैप V2 - V1 का, ठीक है। चलिए अब एक बात बताइए मेरे प्यारे भाई, मैंने इस पॉइंट को मान लिया है P1 और इस पॉइंट को मान लिया है P2, ठीक है, इस पॉइंट को मान लिया है P2, ठीक है, ये पॉइंट P1, ये पॉइंट P2। अब एक बात बताइए, मान लो यार, सपोज कर लो मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ बीच में एक सेंटर है, कि यहाँ बीच में एक सेंटर है, एकदम बीच में है वो सेंटर, डेफिनेटली बीच में होगा, ठीक है, तो ये यहाँ पे एक लेंथ होगी, सीधा नहीं दिख रहा क्या, सीधा लाइन ही लेना पड़ेगा लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक लेंथ होगी और यहाँ पे एक लेंथ होगी, सही है। एक बात बताओ यार, क्या ये इसका आधा नहीं होगा? इसको मैं R2 बोल देता हूँ, इसको मैं R1 बोल देता हूँ, ये जो R2 है इस V2 - V1 का आधा नहीं होगा? बिल्कुल आधा होगा। तो एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, क्या R2 की वैल्यू V2 - V1 का आधा नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? अरे होगी यार, बिल्कुल होगी। चलिए R1 की वैल्यू देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये टोटल P2 है और ये टोटल P1 है, तो भैया ये गैप तो P2 - P1 होगा ना, तो R1 की वैल्यू क्या होगी? R1 की वैल्यू होगी P2 - P1, समझे कि नहीं, समझे कि नहीं? तो आइए यार यहाँ पर अब हम लोग वर्क डन लिख सकते हैं। वर्क डन में क्या आएगा, पहले रेक्टेंगल का एरिया ऐड कर लेते हैं, P1 इंटू दिस लेंथ इंटू ब्रेथ, कितना मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? P1 इंटू V2 - V1 प्लस इसका भी तो एरिया है, क्या होगा? सेमी इलिप्स है, पाए R1 R2/2, पाए R1 R2/2,
टू, आइए यहां पर पाए आर वन की जगह पे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, फॉर्मूला लिख दूंगे पहले सेमी इलिप्स का, पाए आर वन आर टू अपॉन टू, ठीक है चलिए पाए आर वन आर टू अपॉन टू। तो ध्यान से देखिए बच्चों, पी वन पी टू माइनस वी वन प्लस, आइए पाए आर वन की जगह पे क्या मिल जाएगा बच्चों मेरे को, यहाँ पर पी टू माइनस पी वन, देन आर टू की जगह पे क्या मिल जाएगा, आर टू की जगह पे मेरे को मिल जाएगा वी टू माइनस वी वन अपॉन टू डिवाइडेड बाय टू, ठीक है ध्यान दे लो यार यहाँ पे, अब थोड़ा सा अरेंज करते हैं ताकि बढ़िया लगे लिखने में, ठीक है ध्यान दे लो यहाँ पर, ये तो एज इट इज ऐसा ही आएगा पी वन इंटू वी टू माइनस वी वन, ठीक है प्लस ये दो ऊपर जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा तो क्या मिल जाएगा पाई बाय चार, चार बाहर निकाल लो यार ये दो इंटू दो चार को क्या मिल जाएगा पी टू माइनस पी वन इंटू वी टू माइनस वी वन, ठीक है तो यहाँ पर क्या मेरा ये वर्क डन, ठीक है क्या ये मेरा वर्क डन है, बिल्कुल है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल है मेरे प्यारे बच्चों ये वर्क डन, और ये वर्क डन मेरा कैसा है, ये वर्क डन मेरा पॉजिटिव है, ये वर्क डन मेरा बच्चों पॉजिटिव है, क्लियर हुआ। थोड़ा सा ब्रेन में स्टोरेज करने को टाइम जाएगा बट थोड़ा दिक्कत दो थोड़ी थोड़ा अपने आप को सफर करवाओ यार, बिल्कुल कर लोगे, चलो इसको लिख लो आप लोग, ठीक है लिख लो इसको, चलो नोट डाउन कर लो इसको, चलिए ठीक है इतना, आइए क्या बात है, चलिए ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है, ठीक है एरो कैसा रखूं पॉजिटिव की नेगेटिव, चलिए पॉजिटिव रखता हूँ मेरी इच्छा, आइए इसका एरिया निकालते हैं, इसका एरिया ऐसा मिलना चाहिए अपने को, इस महाशय का एरिया ऐसा मिलना चाहिए अपने को, ठीक है चलिए फिर एरिया निकालते हैं इसका, आइए तो अपने को कौन सा एरिया की जरूरत है, जहां तक मुझे लग रहा है सबको समझ में आ गया होगा, मास्टर जी ये वाला एरिया हमको, ई एरिया चाहिए। अब एक बात बताओ यार, ये एरिया निकालना क्या खाऊ है, नहीं यार सिंपल है, ये टोटल बाहर से रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में से सेमी इलिप्स माइनस कर दो, रेक्टेंगल में से सेमी इलिप्स माइनस कर दो, क्या बात नहीं बन जाएगा, बिल्कुल यार बेशक काहे नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो बोलो एम सर को, बोलो यार अगर बात नहीं बनेगा तो, ये अपना पी वन है, ये पॉइंट पी टू है, ये वी वन है और ये वी टू है, समझ गए चलिए चलिए बेस्ट है एकदम समझ गए आप लोग, सेंटर बनाइए, रेक्टेंगल में से सेमी इलिप्स माइनस करना है आपको, रेक्टेंगल में से सेमी इलिप्स माइनस करना है तो वर्क डन सीधा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से देखो रेक्टेंगल का एरिया क्या है, पी टू इंटू वी टू माइनस वी वन, ठीक है ये गैप है वी टू माइनस वी वन, ठीक है तो पी टू इंटू वी टू माइनस वी वन माइनस माइनस क्या सेमी इलिप्स का एरिया, आपके लिए फिर से लिख देता हूं मैं प्यारे भाई मेरे, ठीक है दिस इज आर टू दिस इज आर वन, तो आर वन की वैल्यू क्या बन जाएगी, देखो ये पी टू हुआ ये पी वन हुआ पी टू पी वन, ये वैल्यू मेरी बन जाएगी पी टू माइनस पी वन, ठीक है तो कितना होगा बच्चों पाई बाय फोर तो बाहर आएगा, ठीक है फिर चलो आपके लिए लिख देता हूँ, और ये होगा मेरा आर टू इसका आधा, आर टू इंटू आर टू इक्वल्स टू आर टू इक्वल्स टू वी टू माइनस वी वन अपॉन टू, ठीक है आ जाओ यहाँ पर, अब आर वन की वैल्यू क्या है पी टू माइनस वी वन, आर टू की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों वी टू माइनस वी वन अपॉन टू डिवाइडेड बाय टू, ध्यान से देखो यहाँ पर पी टू इंटू वी टू माइनस वी वन माइनस पाई बाय फोर पी टू माइनस पी वन इंटू वी टू माइनस वी वन, आ गया मेरा वर्क डन। अब एक बात बताओ यार क्या यहाँ माइनस हो रहा है तो आप लोग वर्क डन या नेगेटिव कर देंगे, नहीं एरो का डायरेक्शन देखो वॉल्यूम का, और वी वन से वी टू की ओर जा रहा है तो वॉल्यूम इज एक्सपांडिंग तो वर्क डन अपना होगा पॉजिटिव, इनकेस एरो का डायरेक्शन यहाँ होता तो ये आपके लिए क्या बन जाता, ये आपके लिए बन जाता क्या, आपके लिए बन जाता नेगेटिव वर्क डन, समझ गए चलो लिख लो इसको लिख लो नोट डाउन कर लो, मे भी आज का लेक्चर थोड़ा सा आपके लिए 40-50 मिनट तक पहुंच जाए यार, आई थिंक 40 मिनट्स तो हो ही गए हैं, चलिए बेस्ट है आइए यहाँ पर,
अब आते हैं इम्पोर्टेंट पार्ट, कितने बचे हैं मेरे प्यारे भाई। चलो यार अब बहुत, मे बी मैक्स टू मैक्स बच्चों 20 मिनट और लूंगा मैं, ठीक है चलिए, क्योंकि अब मेरे को लग रहा है ग्राफ, मैं आज ग्राफ ही लूंगा, मैं ग्राफ से ज्यादा जाऊंगा नहीं, वरना आपका सिस्टम हो जाएगा ओवरलोड, समझ गए। चलिए आइए यहाँ पर, आइए आइए, बिल्कुल आइए, चलिए चलिए ठीक है। ये मैं यहाँ पे चार पॉइंट लिख देता हूँ, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। अब एक बात आप लोग ध्यान में रखिए मेरे प्यारे बच्चों, मालूम है क्या वो, ये ध्यान में रखना है बच्चों कि पहले तो आपके पास एक फिक्स डायरेक्शन था, V1 से V2, V2 से V1, V1 से V2 मतलब एक्सपांडिंग, वर्क डन इज पॉजिटिव, V2 से V1 मींस कंप्रेशन, वर्क डन इज नेगेटिव। बट यहां पर आप लोग अब क्या क्या करने वाले हैं प्यारे मेरे प्यारे भाई, यहां पर कुछ लिखा ही नहीं है प्रेशर और वॉल्यूम का, वॉल्यूम ग्राफ देखो। अगर लूप दिया हो तो लूप में वर्क डन पॉजिटिव है कि नेगेटिव कैसे पहचाने, इसके लिए मैं आपको रामबाण सूत्र बता रहा हूं, वो ध्यान में रखना। चलो ठीक है, यहां पर यह आ रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, अगर लूप का डायरेक्शन क्लॉक वाइज है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर लूप का डायरेक्शन क्लॉक वाइज है तो वर्क डन इज पॉजिटिव, ठीक है। अगर लूप का डायरेक्शन क्लॉक वाइज है मेरे प्यारे बच्चों तो वर्क डन इज पॉजिटिव, एंड अगेन अगर आपके लूप का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो आपका वर्क डन का डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा, तो आपका वर्क डन नेगेटिव बन जाएगा। ये ध्यान में रखना है लूप के अंदर कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, समझ गए, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्लियर हो गया ये। अब एक बात बताइए यार, ये रेक्टेंगल है तो एरिया अंडर द कर्व तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा। बट हम लोग जाएंगे फुल मेथड से। अगर आप ध्यान से देखो, ये होगा P2 माइनस P1, ये होगा V2 माइनस V1, तो आपको वर्क डन क्या मिल जाएगा रेक्टेंगल का, P2 माइनस P1 into V2 माइनस V1। बट हम जाएंगे पूरा एकदम सिस्टमेटिकली, समझ गए, पूरा एकदम सिस्टमेटिकली जाएंगे हम अपना। आइए यहां पर चलिए, मुझे निकालना है वर्क डन ए टू ए, ठीक है क्वेश्चन है मेरा कि वर्क डन ए टू ए चाहिए मुझे। अब ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि ये चार पाथ नहीं है, सबसे पहले पाथ क्या है, ए टू बी है, फिर पाथ क्या है, बी टू सी है, फिर पाथ क्या है, सी टू डी है, फिर पाथ क्या है मेरे प्यारे बच्चों, डी टू ए है, समझ गए हाँ या ना। अब ध्यान दीजिए बच्चों, बी टू सी वॉल्यूम कॉन्स्टेंट और डी टू ए वॉल्यूम अगेन कॉन्स्टेंट, डी टू ए बी टू सी, तो बी टू सी वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, डी टू ए वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, ये तो जीरो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये तो जीरो हो जाएगा। तो बचा क्या, सिर्फ वर्क डन ए टू बी प्लस वर्क डन सी टू डी। आइए अब फोकस करिए आप यहाँ पर, ठीक है सी टू डी, ध्यान दीजिए ए टू बी में आपका एरिया क्या है, ये है आपका एरिया, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये V1 है, ये V2 है, ये P1 है, तो मैं अपने सीधा फ्री हैंड लिख रहा हूँ बच्चों, P1 into V2 minus P1, ठीक है P1 into V2 minus V1। अब ध्यान दीजिए CD का डायरेक्शन ऑपोजिट है, CD का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो यहाँ पे साइन क्या आएगा बच्चों, माइनस का है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, ध्यान दो। अब CD का एरिया मेरे प्यारे बच्चों ये पूरा होगा, CD का ये पूरा एरिया होगा, समझ गए, CD का ये पूरा एरिया होगा, समझ गए, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर CD ये पूरा नीचे का एरिया, ठीक है ये पूरा नीचे का एरिया, ये पूरा एरिया, ठीक है। तो P2 into V2 minus V1, ठीक है बच्चों, P2 into V2 minus V1, P2 into V2 minus V1, ठीक है, क्या मिल जाएगा यहाँ पर, ध्यान से देखो V2 minus V1 कॉमन निकाल लो, तो P1 minus P2 into V2 minus V1, क्या मिल जाएगा मेरे को बच्चों, वर्क डन ए टू ए मिल जाएगा। अरे हाँ या ना बोलो मेरे प्यारे भाई, मिल गया कि नहीं मिल गया, रेक्टेंगल का एरिया मेरे प्यारे बच्चों, अभी आपने देखा था कि ये V2 माइनस V1 होगा और ये वैल्यू कितना होगा, P2 माइनस P1 होगा, तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ वही तो मिल गया, बट हमने सिस्टमेटिक वे में निकाला है इसको, ठीक है कोनो प्रॉब्लम आपको नहीं है। चलिए आइए
यहाँ पे आइए यार, यहाँ पे आइए। एक और बात, कौन सी वाली? क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज है मेरे प्यारे बच्चों, तो वर्क डन निगेटिव होगा। क्या होगा? वर्क डन निगेटिव होगा। चलिए क्लियर है, इसके ऊपर बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ पर इलिप्स का निकालना है, ठीक है? सर्कल नहीं मानना यार, इलिप्स ही मानना है। तो इस पॉइंट पे मैं इस पॉइंट पे नहीं, इस पॉइंट पे लूंगा, फिर इस पॉइंट पे लूंगा एक, फिर यहाँ से एक लूंग, नहीं यहाँ से नहीं यार, प्रेशर, प्रेशर का दूसरा पॉइंट अपना ये वाला होगा, ठीक है? प्रेशर का दूसरा पॉइंट अपना ये वाला होगा पी वन, और ये अपना होगा पी टू, ठीक है? तो ये वी वन, ये वी टू, ये पी वन, ये पी टू। चलिए आइए अब ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई, ये इलिप्स है, ये अगर इलिप्स है तो इसका एरिया क्या होगा बच्चों? पाई ए बी। ये कंप्लीट इलिप्स है अब, तो इसका वर्क डन मतलब इसका एरिया क्या बन जाएगा? पाई आर वन आर टू, ठीक है? ध्यान दो, अभी यहाँ पर ये आपका आर वन है और ये आपका आर टू है भाई साहब, ये गैप है वी टू माइनस वी वन का, ठीक है? और ये पूरा गैप कौन सा? ये पूरा गैप, ठीक है? ये पूरा गैप है आपका, जैसे कि ये पूरा P2 का है, ये P1 का है, तो ये गैप है आपका P2 माइनस P1, दिख रहा है ना? चलो दिख रहा है, ठीक है? ये पूरा P2 है और ये P1 है, तो ये P2 माइनस P1 होगा आपका, ठीक है? अब एक बात बताओ, इसका आधा, जैसे कि ये R2 इसका हाफ है, तो R2 क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ये मेरा बन जाएगा V2 माइनस V1 अपॉन 2, और ये R1 इसका हाफ होगा, ये क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? R1 इक्वल्स टू, R1 equals to P2 minus P1 upon 2, ठीक है? P2 minus P1 upon 2, क्या मैं इसको यहाँ पर रख नहीं सकता? बिल्कुल, कौन बोला मैं नहीं रख सकता? मैं रख सकता हूँ यार। तो पाई into R1 की जगह पे क्या आएगा? R1 की जगह पे आएगा मेरे प्यारे भाई P2 minus P1 upon 2 into V2 minus V1 upon 2, पाई बाय 4 बाहर नहीं आ जाएगा? बिल्कुल बाहर आएगा, पाई बाय 4 P2 माइनस P1 इंटू V2 माइनस V1, ये आ गया अपना वर्क डन। एक और बात बच्चों, यहाँ पे एरो का, ठीक है? इसे हमारे पहले बच्चों यहाँ पर डायरेक्शन होगा आपके एरो का, ठीक है? डायरेक्शन कैसा प्यारे भाई? डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर अपना वर्क डन होगा पॉजिटिव। चलिए वीडियो पॉज कीजिए, यहाँ पे वीडियो पॉज कीजिए, ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है? एक मिनट सॉल्व कीजिए। ए से बी से सी, डायरेक्शन ऐसा रखा है मैंने इसके लिए, ठीक है? या फिर क्लॉकवाइज कर दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? चलिए ये डायरेक्शन है, निकालिए इसका आप लोग एरिया, ठीक है बच्चों? निकालिए, चलिए देखिए यहां पर आइए, मैं निकाल देता हूं, बिल्कुल बेशक। ध्यान से देखिए, इस पॉइंट के लिए ये होगा V1 और ये होगा V2। अब आपको अगर ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो आपको ट्रेपेजियम में से ये रेक्टेंगल माइनस करना होगा, समझ गए? फिर वही लंबा कैलकुलेशन, बट अब अगर लूप है तो सीधा शेप का भी आप निकाल सकते हो यार, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि अब ये क्या है? प्रॉपर शेप है, ठीक है? क्या बच्चों? ये अब प्रॉपर शेप है, तो ये होगा P1, ये होगा P2, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा P2 माइनस P1, ये लेंथ बन जाएगा V2 माइनस V1, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बच्चों? हाफ इंटू बेस, बेस कितना है मेरा? V2 माइनस V1, और हाइट कितना? P2 माइनस P1, ये गैप है V2 माइनस V1, ये मिल गया मेरा वर्क डन, और डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, सो माय वर्क डन इज पॉजिटिव, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं, कोई दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं, क्लियर है? जाइए मत, क्वेश्चन करके ही जाते हैं, ठीक है? चलिए आइए, सवाल देखिए यहाँ पे मेरे प्यारे भाई। इन द फॉलोइंग फिगर टू इंडिकेटर डायग्राम आर शोन इन द अमाउंट्स ऑफ वर्क डन इन द इन देम डब्ल्यू वन एंड डब्ल्यू टू रिस्पेक्टिवली। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे भाई, इनमें से किसका वर्क डन बड़ा होगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका वर्क डन डब्ल्यू वन है, इसका वर्क डन डब्ल्यू टू है, डेफिनेटली ज्यादा एरिया इसके पास होगा, इसके पास कितना ही होगा, ठीक है? तो W1 is greater than W2, क्लियर है एकदम? चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर अ
इन द फॉलोइंग फिगर अ सर्टन इन द फॉलोइंग फिगर साइड में हो जाओगे आपको। चलिए ठीक है देख लीजिए, इन द फॉलोइंग फिगर अ सर्टन मास ऑफ गैस ट्रेसेस थ्री पार्ट्स 1, 2 and 3। देखिए यहाँ पर 1, 2 and 3 दिया हुआ है। फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी इफ द वर्क डन बाय गैस अलॉन्ग दिस पाथ आर W1 and W2 and W3 रिस्पेक्टिवली। मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। क्यू ध्यान से देखिए, मैंने क्या बोला था, पीवी ग्राफ में वर्कडन को बनता है, वर्कडन कौन बताएगा, एरिया बताएगा। तो तीन वाले का एरिया सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, फिर किसका होगा, फिर दूसरे वाले का होगा, फिर किसका होगा, पहले वाले का होगा। तो सबसे ज्यादा एरिया किसके पास होगा बच्चों, सबसे ज्यादा वर्कडन होगा डब्ल्यू थ्री का, फिर उससे छोटा होगा डब्ल्यू टू, फिर उससे छोटा होगा डब्ल्यू वन। समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत है नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए आइए अब अपना अगला टॉपिक है इंटरनल एनर्जी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अपना अगला टॉपिक है इंटरनल एनर्जी। भाई बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ऐसा थर्मोडायनामिक्स आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, आपको फील करवा दूंगा मैं थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। बस आप लोग अब सीरीज बनाए रखिए बच्चों, ये खुद मेरा फेवरेट टॉपिक भी है, ठीक है। तो आप लोग फील बना के रखिए एकदम कि थर्मोडायनामिक्स अब आपको फील होगा। जो आपको टफ लगता था टेक्स्ट बुक देख लगता था क्या है ये हीट, ये इंटरनल एनर्जी, ये गैस क्या है ये, अब आपको समझ में आएगा। बस पढ़ते रहना है, डेली का डेली रिवीजन करना है, और टारगेट रखना है कि 15 दिसंबर तक हम लोग अपना सिलेबस फोड़ देंगे, क्योंकि अब मेरा लेक्चर होगा डेली, ठीक है बच्चों, अब मेरा लेक्चर होगा डेली। डेली आपको नेक्स्ट वीक से मेरे वीडियोस मिलेंगे, तो डेफिनेटली टारगेट रहेगा 15 दिसंबर तक हम लोग अपना सिलेबस उखाड़ देंगे। चलिए बच्चों तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल।